हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल टुडे लेसन आइडिया। जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है प्लान जो कि आपके प्रीवियस रहेंगे, ठीक है, सीएचएसएम सीजीएल एमटीएस एंड एसएससी का, ठीक है, 2019 से 2022 तक का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। एंड गाइस, जैसा कि अभी एग्जाम आपको चल रहा है एमटीएस का, ठीक है, एंड सीएचएसएल भी होने वाले हैं एंड फॉर्म भी आ चुके हैं, ठीक है। एंड गाइस, कहा जाए तो टाइम बहुत ही कम है और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है, बहुत ही ज़्यादा याद करना है, चाहे कोई भी एग्जाम का प्रिपेयर करो, ठीक है, एसएससी रिलेटेड। तो गाइस, एंड बता दूं कि आपको एमटीएस में जो रूल चेंज हो चुका है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में ही जीके जीएस एंड इंग्लिश हो रहे हैं, जो कि आपके ऐड होंगे वही नंबर भी, और फर्स्ट होता है वो पासिंग मार्क्स के। तो जीके जीएस को बहुत जल्द होना है, अगला का जो भी प्रिपेयरिंग करें बिहार पुलिस, तो बिहार पुलिस के लिए लोग के लिए भी जीके जीएस की आई थिंक गाइस 75 से 80 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 25 नंबर आप रहते हैं मैथ्स हिंदी एंड रीजनिंग, तो ज़्यादा क्वेश्चन आपका रहेगा जीके जीएस से। और सीजीएल में भी हर क्वेश्चन आप पता गाइस 3 मार्क्स का हो गया, एमटीएस हो चाहे सीएचएसएल हो, तो इसलिए अब ज़्यादा फोकस करना है हर सब्जेक्ट पर। अब जीके जीएस की मात्रा ज़्यादा बढ़ते जा रही है, ठीक है, और जीके जीएस में आपके सोशल साइंस के ऑल ऑफ सब्जेक्ट आ जाएंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है। तो गाइस चलिए, अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट, आपके जो अच्छी लाइट नहीं दिखा रहा हूँ, ज़्यादा लाइट आ रहा है इसलिए मैंने इस पर प्रॉब्लम कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर तो लिखा हुआ है सी एच एस सी जे एम पी एस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2023 से 2022 तक का लिया गया, ठीक है, इसमें टोटल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, झूम खेती का अन्य नाम क्या है, क्वेश्चन विथ आंसर लिखा हूँ, ठीक है। तो झूम खेती का अन्य नाम स्लेस एंड बर्न है, ठीक है, ये गाइस इसमें मैं ऑप्शन नहीं लिख सकता था क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इतना ज़्यादा फिर उसको बिठाना, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आप लोग इसको दो तीन बार वीडियो पर रिपीट देख लो, जिससे कि आपको आंसर में माइंड में एडवेस्ट चल जाएगा। तो फर्स्ट है, झूम खेती का अन्य नाम क्या है, झूम खेती का अन्य नाम स्लेस एंड बर्न है, ठीक है। झूम खेती कहाँ होती है गाइस, तो झूम खेती आपको होती है असम स्टेट में, असम स्टेट में याद रखिएगा, ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर, ओके। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ग्रैमी पुरस्कार बता दूँ तो ग्रैमी पुरस्कार गाइस आपको दिया जाता है पहली महिला थी तन्मिसा, ठीक है, और ग्रैमी पुरस्कार आपको किस में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में आपको दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, इसको माइंड में रखना है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था, ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, उनकी बेटी का नाम क्या था, रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान ऐसा थी ना जो कि देश की प्रथम महिला शासिका भी बनी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बता, और किन की बेटी थी, तो इल्तुतमिश की, ओके। एंड नेक्स्ट है गाइस, हो गया इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक कौन था, अकबर का संरक्षक था आपको बैरम खां, ठीक है, बैरम खां का और नाम था आपको क्या, उसको खाना बाबा भी बोलते थे, खान बाबा, ठीक है, बैरम खां का नाम थी खाना बाबा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाइट मैन कप का संबंध किस खेल से है, व्हाइट मैन कप आपका ट्रॉफी है जो कि किससे गए, तो आपको टेनिस से है, टेनिस, ठीक है, और टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, वन या दो टेनिस का, ठीक है, और टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय है, चीन, आपका ये खेल कहाँ का है, तो चीन का है गाइस, ये बता दूँ चीन का इंटरनेशनल या राष्ट्रीय आपको है जो कि टेबल टेनिस है, कहाँ का है, चीन का, देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। भारत का सभी पता होगा हॉकी, पाकिस्तान का भी हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट है, भीम बेटिका किस राज्य है, भीम बेटिका किस राज्य में है, तो भीम बेटिका कहाँ है गाइस, भीम बेटिका आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश राजधानी कहाँ है, तो भोपाल, तो भीम बेटिका कहाँ के, मध्य प्रदेश, एम ए डी एच वाई ए मध्य प्रदेश, ओके, इसको माइंड रखना है।
एंड आपका नेक्स्ट है गाइस, मानव शरीर के सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? तो मानव का सेल होता है, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है, ठीक है। और कोशिका खोज किसने किया? तो आपको 1665 में किसने? रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। और 1700 ये भी कैसा किए थे? कोशिका आपका मृत कोशिका, ओके, मृत कोशिका यानी कि डेथ कोशिका का खोज किए। और जीवित कोशिका का बोलेंगे ना, तो 1739 में स्लाइडन एंड स्वान ने किया था। इसने 1739 में स्लाइडन एंड स्वान ने किया, ठीक है, जो कि जीवित कोशिका था। नेक्स्ट है, सूखा रोग किसकी कमी से होती है? सूखा रोग यानी गाइस विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का कमी से क्या होता है? रिकेट्स, ठीक है। अच्छा, हम सूखा रोग होता है विटामिन डी का किस कमी से? तो विटामिन आपका डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है, ठीक है। अगर गाइस बता दूं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफ्लोर, कैल्सिफेरॉल। विटामिन, अभी मैं विटामिन गाइस के बाद रफ करने के बाद विटामिन के बारे में कुछ नॉलेज आपको दूंगा कम्प्लीटली। विटामिन कुछ किसने किया, ठीक है, विटामिन ए बी सी डी ई के, विटामिन बी वन बी टू बी ट्वेल्व, ठीक है ना, सब के किसने खोज किया, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, एंड कमी से कौन कौन रोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो भारत की पहली जनगणना गाइस आप लोग को 1872 में हुआ, ठीक है। अब बोलेगा ना किसके समय से हुआ, तो आपका था लॉर्ड मेयो के समय, यानी कि वायसराय था, और लॉर्ड मेयो के समय आपको हुआ भारत की पहली जनगणना, ठीक है, इसको माइंड रखना है। नेक्स्ट है गाइस, पीलिया रोग किस विटामिन की कमी से होती है? पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस, तो विटामिन किस कौन सी कमी से? विटामिन बी 12 की कमी से आपको होता है पीलिया रोग, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, गोल्डन गर्ल से किसे जानते हैं, यानी कि गोल्डन गर्ल, तो गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं? पीटी उषा को। पीटी उषा कौन थी? सबसे दौड़ने में फर्स्ट, और हमारे जिनका फिलहाल में ही डेथ हुआ था, ठीक है। गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं? पीटी उषा, सॉरी गाइस, गर्ल को है ना, पीटी उषा तो धावक थे, जो कि पुरुष थे, पीटी उषा कौन थी? बस ये गोल्डन गर्ल किसान थे, तो पीटी उषा को, ओके। नेक्स्ट है, लास्ट, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी किया था, तो आर्टिकल आपका होता है गाइस इसका, यानी कि अनुच्छेद 32, ठीक है। और अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं हम लोग? प्रस्तावना की आत्मा भी कहते हैं, ठीक है। इनको यही सबसे ज्यादा इनके द्वारा भीमराव अंबेडकर के द्वारा, इसके द्वारा आप डायरेक्ट उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके ये ऐसा अनुच्छेद है, मतलब आपको फ्रीडम है, अनुच्छेद 32 के तहत, इसको आत्मा भी कहते हैं, संविधान की आत्मा, ठीक है, इसी को बोलते हैं आर्टिकल 32 को, ठीक है। तो ये मैंने कराया आपको, अब इसके बाद इसको रफ करके फिर से और लाऊंगा अभी, एंड इसके बाद गए मैं पहले आपको प्रोटीन के बारे में और कुछ कुछ जानकारी है जो कि मैं दे दूँ इस बार क्या क्या एग्जामिनेशन में 2022 के आए हैं जस्ट, ठीक है। बस वेट करिए सम टाइम, ठीक है। जैसा कि मैंने जस्ट बताया कि मैं पहले आपको नॉलेज दूंगा विटामिन के बारे में, ठीक है। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन ए बी, विटामिन ये कुछ किसमें क्या, ए बी सी डी ई, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका कमी से कौन कौन रोग होते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक भी जरूर करें एंड कॉमेंट करना एंड सब्सक्राइब करें। जैसा गाइस मैं बता दूँ कि विटामिन का खोज किसने किया आपको? बंक ने,
ठीक है। हम बैक्टीरिया ने किया विटामिन का टेस्ट, ठीक है। विटामिन आपका विटामिन ए और विटामिन बी, बी का खोज मैकुलन ने किया, विटामिन ए और बी का सेम मैकुलन ने, ठीक है, साइंटिस्ट ने। विटामिन सी, विटामिन सी का खोज ऑलकॉट ने, किसने किया गाइस, उसका नाम है ऑलकॉट, ठीक है। एंड विटामिन डी, डी का खोज किसने किया, हॉपकिंस, हॉपकिंस, ओके याद रखना है। विटामिन ई, उसका तो माइंड में भी नहीं है, विटामिन ई होता है। विटामिन के, विटामिन के, चलिए मैंने बता दिया। अब आते हैं इसका केमिकल नेम, यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। चलिए विटामिन मैं आपको नाम विटामिन पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर केमिकल नेम। तो विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है गाइस, रेटिनॉल, रेटिनॉल। अब विटामिन की कमी से कौन सा होता है, यानी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं रतौंधी, जिससे कि आदमी को दिखाई देने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, रतौंधी। विटामिन बी, बी की कमी से आपको होता है गाइस बेरी बेरी, ओके। विटामिन सी, विटामिन सी कमी से अस्कर्वी। एक चीज ऐसे देखिए, कोई भी चीज खट्टा हो तो उसमें भी क्या खट्टा चीज में होगा आपका क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा, हो गया। विटामिन डी, विटामिन डी का सही नाम कैल्सिफ्लोर होता है, मैंने जस्ट बताया था वीडियो में, कैल्सिफेरॉल, ओके, विटामिन डी का। और विटामिन डी के कमी से कौन सा होता था आपको, ये होता है गाइस हड्डी का कमजोर होना, या अभी जस्ट मैंने बताया था, आया था जो क्वेश्चन आपको एमटीएस में, सूखा रोग, ठीक है, और आपको क्या बोलते हैं, हड्डी कमजोर होना, अस्थि का कमजोर होना, ठीक। या देखते हो ना बचपन में किसी छोटा सा बच्चा हो, उसका पैर हाथ टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, हड्डी मुड़ जाता है, तो किसका, विटामिन डी के कमी कारण, ठीक है, इसको माइंड रखना है। विटामिन डी हो गया, अब आते हैं लोग विटामिन ई, विटामिन ई सामने देख लीजिए। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है गाइस, विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, क्या नाम है गाइस, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, ठीक है। हाँ, विटामिन ई के कमी से, यानी कि इसका डिफिशियंसी, यानी कि जो कमी हो बात है, तो विटामिन ई से होता है बांझपन, यानी किसी भी महिला को पुत्र नहीं होना, या लैंगिक से रिलेटेड कोई भी रोग, लैंगिक प्रजनन संबंधित, लाइफ में समझ बांझपन विटामिन ई। हाँ, और विटामिन ई में गाइज आपका रिलेटेड है सुंदरता, यानी कि आपको जिसको, हाँ, किस विटामिन को सुंदरता एक विटामिन कहते हैं, ठीक है ना, इसको जरूरी जानना है। आपको बता दूं, सुंदरता किस विटामिन का नाम है, किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन आपका ई, याद रखना है, ठीक है। एंड विटामिन के, विटामिन के का होता है फिलोक्विनिन, फिलोक्विनिन आप बता रहा हूँ। देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विन, एम गाइस फिलोक्विनॉन, ठीक है। और इसका कमी से क्या होता है, रक्त का थक्कापन, जैसे कि हम लोग कहीं चोट लग गया, ठीक है, या कट गया, तो देखते हो कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, जम जाता है ऊपर पे, सॉलिड टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड टाइप में, तो वो क्यों होता है, वो आपको होता है विटामिन के का मिला, तो इसका मतलब होता है विटामिन के रक्त का थक्का
बनना, ठीक है। चलिए एक बार लिख रहा हूँ जहाँ तहाँ जैसे तैसे लिखे हैं। विटामिन का खोज फंक ने किया, ठीक है। विटामिन ए का खोज मैकलन ने, विटामिन बी का खोज मैकलन ने, ठीक है। विटामिन ए कमी से कौन सा रोग, रतौंधी रोग, यानी कि आंखों से कम दिखाई देना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, ओके। विटामिन बी का कमी से बेरी बेरी, ठीक है, जो कि बालों से रिलेटेड होते हैं। विटामिन कहा गया सी। विटामिन सी का खोज किसने किया, ऑलकट ने, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, सॉरी सी का लिखा हूँ, विटामिन सी का लगता है सी का छोड़ दिया, नहीं लिखा था। विटामिन सी के कमी से आपको अस्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और कोई भी खट्टा फल होता है जैसे आंवला हो गया, आंवला हो गया, तो उसमें कौन सा साइट्रिक अम्ल पाता है, ठीक है, खट्टा चीज में। और विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे विटामिन सी का हो गया। तो और विटामिन सी का खोज किसने किया, फॉलकट ने। विटामिन डी का खोज किसने किया, हॉपकिंस ने, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सिफ्लोर। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, यानी कि हड्डी का कमजोर होना, या बचपन में किसी बच्चे का हड्डी कमजोर होता है, इधर होता है, तो उसको किस कमी कारण से होता है, ये काम, ठीक है, इसको माइंड में रखना है। नेक्स्ट है गाइस विटामिन ई। विटामिन ई का क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम एकोफ्रोल। और विटामिन ई का कमी से कौन सा होता है, बांझपन, लैंगिक प्रजनन संबंधित रोग, या सुंदरता की विटामिन बोलते हैं विटामिन ई को, ठीक है। और विटामिन विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनाइन, फिलोक्विनाइन, ठीक है। और इसका क्या होता है कमी, रक्त का थक्का बनना, जब भी रक्त थका था तो विटामिन के कमी से, मैंने जस्ट बताया, ठीक है, सुनता विटामिन विटामिन को, ठीक है। तो विटामिन वाला कुछ कुछ जो थे मेन बेसिक आपका इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में सब पूछे हैं बहुत बार, कभी विटामिन डी का, कभी विटामिन ई का, कभी, हाँ और चीज़ बता दे रहा हूँ, B12 B2Q9 होता है रासायनिक नाम, B2Q9, ठीक है, B2Q9। और बता दूं गाइस, B12 की कमी से अभी जस्ट हम पति पीलिया रोग, यानी कि जॉन्डिस किस कमी से, पीलिया रोग, विटामिन B12 कमी से, ठीक है। और विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो विटामिन डी में आपको पता है आयरन, ठीक है, B12 में, इसको माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब इसको बताता हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ अम्ल के क्षार के बारे में, लवण के बारे में, ठीक है, कुछ कुछ जो भी जानकारी उसके अकॉर्डिंग, इसको मैं आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस, जब आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड गाइस, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ऑल ऑफ अस, यानी कि हिंदी, मैथ, साइंस, क्लास 10, 12 एंड कंपटीशन लेवल तक डालता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, एंड आपको प्रैक्टिस से टाइप में डाला हूँ वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको एसिड के बारे में, ठीक है, यानी कि अम्ल, अम्ल क्या होता है गाइज, हिंदी में एसिड, इंग्लिश में एसिड, अम्ल। देखिए कोई भी पदार्थ क्या हो आपका स्वाद में खट्टा हो, चलिए मैं इसका डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ सबका, अम्ल कोई भी सामान या वस्तु, वस्तु का स्वाद कैसा हो, स्वाद खट्टा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है, ओके, बता दिया। अब देखिए अम्ल का पीएच मान कितना होता है, अम्ल का पीएच मान, ठीक है, अब बताऊंगा पीएच मान क्या होता है, पीएच, देखिए पीएच मान, एक पीएच मान यानी कि आपका होता है गाइस, एक होता है पीएच स्केल, ठीक है, स्केल का कोई पीएच का कुछ किसने किया, सोरेनसन ने किया, ठीक है, सोरेनसन ने किया, ओके। और जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का
क्या स्वाद में कड़वा है, मीठा है, एकदम कोई भी स्वाद नहीं, बेस्वाद है, तो पी एच स्केल के द्वारा जाँच करते हैं, ठीक है। और पी एच स्केल खोज सोरेनसन ने किया। अब देखिए अम्ल का पी एच मान तीन होता है, अम्ल हम लोग क्या लाइफ में थी ना, खट्टा मीठा और एक बेस्वाद, इसको हम लोग बोलते हैं उदासीन, ठीक है। तो देखिए अम्ल का पी एच मान होता है 7 से कम, यानी कि कोई भी चीज स्वाद खट्टा में आएगा तो उसका क्या हो जाएगा 7 से कम। देखिए ऐसे आपका मानसून स्केल है, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे आपका प्लस में हो गया, माइनस में हो गया, एक कम में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा ज्यादा में आ जाएगा, ठीक है। हम बता रहा हूँ कम होगा तो क्या होगा हमारा अम्ल कहलाएगा, और ज्यादा होगा तो क्या कहलाएगा कड़वा कहलाएगा, और केवल 7 ही रहेगा तो ये कहलाएगा क्या कहलाएगा, ये आपका उदासीन कहलाएगा। उदासीन यानी कि बेस्वाद, कोई स्वाद नहीं। जैसे एग्जाम्पल पानी का कोई स्वाद होता है नो, ये आपका हो गया। और पूछता है पानी का पीएच मान कितना होता है 7, ठीक है। आप 3 क्लास में पढ़ोगे ना तो एक बुक था साइंस का आपको फिजिक्स, हाँ केमिस्ट्री में, फिजिक्स हाँ केमिस्ट्री में है, ठीक है। तो उसमें था संतरा में कौन सा पाता है, उसमें कितना मूत्र का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, दूध का पीएच मान, दूध में कौन सा अम्ल पाता है, ठीक है, सब का था। संतरा में कौन सा, तो साइट्रिक में, दूध में आपको लैक्टिक अम्ल पाता है, इमली में तो टैट्रिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, तो ये सब था। आप लोग पढ़ोगे और यही सब आपके एग्जाम में आजकल पूछते हैं, CHSL हो चाहे MTS हो चाहे CGL हो, हर तरह का लेवल में हर क्वेश्चन डालते हैं, लोग छोड़ते हैं कि नहीं आ पाएगा पर आ जाता है, ठीक है। आम में क्या बता दिया। अब देखिए छार, छार या इसको बोल सकते हैं छार, आम छार और इसका नाम है पर मैं नहीं है, आम छार। छार का क्या, जिसका स्वाद क्या होगा कड़वा हो, मैं क्या इसको बोलते थे, छार का अलग नाम था, मैं इसका स्वाद क्या हो कड़वा हो, कड़वा जानते ना गाइस, आप लोग चेक किए होंगे कड़वा कैसा लगता है, कोई भी चीज़ खराब हो तो खाओ कड़वा लगेगा, ठीक है। तो देखिए अब कड़वा कब होगा, इसका पीएच मान क्या होगा, यानी कि जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो वह कैसा होगा आपका, वह आएगा आपका क्या छार में आएगा, ठीक है, ओके। आम छार हो गया। अब देखिए गाइस एक होता है आपका उदासीन, जो लवंग जो होता है उदासीन हो गया, तो उदासीन मतलब क्या, जिसका कोई उसका कोई भी स्वाद नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान आपका होता है 7 प्योर, ठीक है। एग्जांपल में क्या हो जाएगा पानी, ठीक है। अब देखिए गाइस मैं कुछ पीएच मान दिखाता हूँ, जैसे कि हाँ बोल सकता है अम्ल कौन सा आम में क्या पाता है, ठीक है। जैसे कि आप इमली है, इमली संतरा दूध रक्त रक्त हो गया, इमली में टैट्रिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, रक्त में रक्त तो मुझे इसका महीना, हाँ रक्त का पेज में पाइप है, दूध हो गया, संतरा का इमली हो गया, और आपके होते हैं इमली संतरा दूध और पीएच मान। देखिए तो इमली में कौन सा अम्ल पाता है आपको, टैट्रिक अम्ल, ओके। संतरा में आपको पाता है साइट्रिक अम्ल, यानी कि संतरा हो चाहे आपका गाइस यहाँ पे आंवला हो, संतरा या आंवला इस सब में क्या पाता है साइट्रिक अम्ल, ठीक है। यदि दूध, दूध में आपका लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आपको वहां पे पूछ सकता है दूध में बैक्टीरिया आने का रीजन, यानी कि दूध खट्टा क्यों होता है, तो लैक्टिक अम्ल का होता है, और उसका बोल सकता है ना लैक्टिक अम्ल, देखो वहां पे पूछता इस टाइप में भी दूध में कौन सा कारक होता है, तो लैक्टोबैसिलस
रहेगा ऑप्शन, ठीक है, लैक्टोबैसिल्स याद रखना है, लैक्टिक कम नहीं रहेगा तो लैक्टोबैसिल्स रहेगा, वही टिक कर दूंगा, ठीक है। दूध हो गया संतरा, इमली हो गया, और फल में जितना फल है आपको दूध हो गया, जो माइंड में था अभी मैंने लिखा। एंड हाँ, अब पी एच मान से बताता हूँ सबका, रक्त का पी एच मान, मूत्र का पी एच मान, वाटर का तो लिखा दिया, और पी एच मान किसका, हाँ शराब का, और गाइस समुद्र के जल का, समुद्र रक्त का आपको होता है गाइस 7.4, और दूध का होता है, इसका मैंने ट्रिक सुना था, दूध मिलता आपको 64 रुपये केजी, ठीक है, तो आपको 6.4 याद रहेगा, कैसे दूध अभी 6.4, ठीक है। मूत्र का पीएच मान होता है 6.0, ठीक है, शराब का होता है 8.0 होता है, समुद्र जल का पीएच मान होता है गाइस 8.5 से 8.11 के बीच में, ठीक है, और एक और होता है गाइस 7.9, अभी रक्त हो गया, मुझे मैं शराब हो गया, भूख रहता है गाइस, तुम्हें याद रहता था, देखता हूँ गाइस, ये बुक बीपीएससी का है, ठीक है, तो इस लेवल का भी मैं सबको डालते रहता हूँ, ओनली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में तैयारी करना हो तो पेज में आपको मैं रहता है, इसका भी कम्प्लीटली मैं अच्छे से डालूंगा, ठीक है, देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं हमके बारे में, नहीं इसमें नहीं दिया, बहुत केवल मेन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया अम्ल के बारे में, अम्ल छावदा सिंह, मुझे उम्मीद है कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कुछ छूटेंगे नहीं, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैं क्या कराऊंगा, फिर मैं कराऊंगा गाइस आप लोग का अच्छे से त्रिविधर क्वेश्चन, ये भी तो फिर से आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, पानी, ठीक है, हो गया। अब इसको आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, या मैं उसको इसको क्योंकि रफ करूँगा, ठीक है। एंड गाइस हमारे आपको वीडियो पढ़ाने का अगर कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बताएं और लाइक करें, ठीक है गाइस, मैं इसको मिटाता हूँ। गाइस आपके पास समय बहुत कम है, बाद में पछतावा ना हो, इससे अच्छी बात है कि मेहनत कर लो, कि ऐसा कहना ना पड़े कि काश काश कुछ मेहनत कर लिया होता तो मैं बहुत कुछ अभी कर लिया होता, पर वो काश दोबारा ना आए तो उसके लिए पहले आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। और रही बात है ना, मेहनत करने से हर चीज़ पाई जा सकती है, ठीक है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आपके सामने ये बुक बढ़ाने की चीज़ है, आप उससे खुद सोचो, आप क्वेश्चन से बढ़ाओ कि क्वेश्चन आपसे बढ़ाए, माइंड में रख लो तब तो क्या होगा, आप बड़े हो, ठीक है। चलिए यूपीएससी का है, इससे मैं इम्पोर्टेंट जो कि आपको क्वेश्चन हो करवा, जैसे गाइस मैंने जस्ट बोला था आपको सभी का, पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं, यानी कि हमारे जो भी राज्य हैं टोटल किस किस आपको डायरेक्शन में, और कौन कौन ऐसे पूर्व मध्य पश्चिम उत्तर दक्षिण, जैसे कि कौन कौन सा राज्य कौन कौन जगह पे है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका मैं मुख्यालय लिखाऊंगा, कौन सा उत्तर का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो गाइस मैंने जस्ट लिखा था तो आपको, एंड पहले मैंने लिखा था ना कहाँ गया, दक्षिण क्षेत्र में आपको आए थे, जैसे कि तमिलनाडु आता है, कर्नाटक आता है, केरल आता है, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ये सही था। हाँ, मध्य क्षेत्र में कौन कौन से रहते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तेलंगाना नहीं होगा, ये मैंने बाई मिस्टेक अभी लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए ऊपर से आपने सुन लिया, पूर्वी क्षेत्र में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्र में आपको आते हैं बिहार, पूर्वी क्षेत्र में आते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सब जितने भी 7 वन बोलते हैं, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और आपको मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
जितना भी सातों बन जिस स्टेट को बोलते हैं ना, वो भी आते हैं पूर्वी में, पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब पूर्व में। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता दूँ एक फैक्ट, ये जो आपका है ना अरुणाचल प्रदेश, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है, सबसे पहले। और यहाँ पे सबसे जल्दी शाम होता है, ठीक है। तो ये था यहाँ का फैक्ट, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना, वेस्ट बंगाल का कलकत्ता, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, सिक्किम के गंगटोक, त्रिपुरा के अगरतला, मणिपुर के इम्फाल, मिजोरम के आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मेघालय की राजधानी शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, ठीक है। अब आते हैं पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन से राज्य होते हैं, यानी कि वेस्ट साइड में, ठीक है। पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव एवं नागर हवेली, देखिए नागर हवेली ये आपका क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिसका राजधानी का आपको भाई सिलवासा है, ठीक है, माइंड रखना है। देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है। देखिए भाई इसमें से एक बार फैक्ट बता दूँ, तो गोवा आपको पूछेगा ना किस नदी किनारे, आपका बहुत एग्जाम में पूछा जाए सीजे का सीचे सर, गोवा किस नदी किनारे बसा है, तो आपको मांडवी नदी, तो माइंड रखना है, ठीक है, इसको माइंड रखना। नेक्स्ट है उत्तर क्षेत्र, उत्तर में कौन कौन से आते हैं उत्तर क्षेत्र में, तो पंजाब, देखिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों सब एक ही बगले में है, पंजाब हरियाणा है ना, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, तो तीनों बहुत याद रहेगा आपको, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उत्तर क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर सब आपको उधर पड़ता है, एंड चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब कहाँ आपको गए, सब आपका उत्तर में है, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट है मध्य क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं, यानी कि बीचों बीच में, तो मध्य का मध्य से याद रहेगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कहाँ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ठीक है, इसको कैसे से याद कर सकते हो। अब बता दूँ कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे, मध्य प्रदेश जो है ना गाइस, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उत्तराखंड का देहरादून, ओके। उत्तराखंड में क्या है, केदारनाथ है भोले बाबा का, शंकर भगवान की जय, एक बार नारा भी लगवा दे, भगवान का नाम भी ले लिया जाए, जय महाकाल। नेक्स्ट है आपका दक्षिण क्षेत्र, यानी कि दक्षिण क्षेत्र यानी कि साउथ में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। दक्षिण देखे साउथ इंडियन मूवी देखते हो ना, साउथ इंडियन मूवी कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है, केरला में मूवी सेट होता है, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर, तो ये सब क्या देंगे आपके दक्षिण क्षेत्र में। देखिए तमिलनाडु था, कर्नाटक था, केरल था, आंध्र प्रदेश था, पुदुचेरी था, ठीक है, पुदुचेरी याद रखिएगा, और आपको आंध्र प्रदेश किसमें चला जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में इसमें आ जाएगा, आंध्र प्रदेश तो लिखा ही है, ये आपको तेलंगाना, ठीक है। तो ये सब दक्षिण, तमिलनाडु का चेन्नई, कर्नाटक का बेंगलोर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश का आपको चेंज हो गया है तेलंगाना हो गया है, और पुडुचेरी का पुडुचेरी होता है, ठीक है। तो ये था मैंने आपको जो बताया सभी राज्य में कौन कौन से राज्य किस दिशा में है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा जैसे कि होता है ना गाइस, पूर्वी आपको मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो बोलते हैं जिस प्रकार वो होता है ना इसका भी मुख्यालय है, ठीक है, जिस प्रकार आपको रिजर्व बैंक, ठीक है, उसका मुख्यालय मुंबई है, तो इसका भी मुख्यालय है हर स्टेट का, बताता हूँ। देखिए स्पेस होगा तो मैं यहीं पर लिखता हूँ, पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है गाइस, देखिए इसे भी आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो पूर्वी क्षेत्र का आपको वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी कहाँ है, कलकत्ता, तो पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय आपको होगा कलकत्ता, मैं बगल में अच्छे से लिख दे रहा हूँ, सबसे अच्छा क्या लिखा, ठीक है, एंड आप लोग स्क्रीन शॉट में ले सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा से ही देखता हूँ, एंड गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, आप सब्सक्राइब प्लीज करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे।
एंड आपको हमारा कहानी का भी कैसा लगा एंड कोई भी मिस्टेक हो तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट गाइस। तो गाइस जैसा कि बता दूं आपको, मैं एक पूर्वी क्षेत्र था, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र ऊपर क्या लिखूं मैं इसका, मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय मैंने क्या बताया था, उसी में था ना, पूर्व में कौन था, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल राजधानी कलकत्ता। उत्तरी क्षेत्र देखिए गाइस, उत्तर में कौन सा था आपका, नई दिल्ली था, उत्तर का क्या रहा आपको, नई दिल्ली, मैं लिख दे रहा हूँ, पश्चिम, पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, फिर कौन था, मध्य क्षेत्र। देखिए मध्य क्षेत्र का आपको मुख्यालय होगा इस मध्य क्षेत्र है ना, दक्षिण क्षेत्र तो साउथ है, यह आपका चेन्नई हो जाएगा, एक कलकत्ता, नई दिल्ली, एक मुंबई था, मुंबई आपको किसका था, हाँ, पश्चिम क्षेत्र का राजधानी आप कहाँ, किसका मुख्यालय कहाँ होगा, मुंबई, ठीक है, पूर्वी का कलकत्ता, उत्तरी का नई दिल्ली, पश्चिम का मुंबई, दक्षिण का चेन्नई। अब मध्य क्षेत्र बचा, मध्य क्षेत्र का मुख्यालय माइंड में नहीं आ रहा क्या था, कलकत्ता, नई दिल्ली, मुंबई, अरुणाचल प्रदेश का नगर, सिक्किम, माइंड में भी नहीं आ रहा है। मध्य क्षेत्र का भी जस्ट अर्थ है गाइस, उत्तर क्षेत्र का नई दिल्ली है, पश्चिम का मुंबई में, दक्षिण का चेन्नई में, और पूर्वी क्षेत्र का कलकत्ता में, मध्य का और माइंड नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग इसको देख लें, ठीक है। एंड मैंने आपको ये अभी जस्ट मैंने वीडियो कराया, ठीक है, और ये आपका जो भी था ना जीके जीएस का, ये तो मैंने वीडियो को कट कट के चारों टाइप में कट करके भी डाल रहा हूँ, एंड एक साथ भी एक में एक घंटे का पूरा सब डाल दूंगा, जो कि आपको प्रीवियस ईयर था और ये सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन। तो आपको मैंने एक घंटा काफ़ी हो गया होगा, ठीक है, आपको तो वीडियो आधा तक कट करके मिला, किसी में 19 मिनट का हुआ है, किसी में 10 मिनट का, किसी में 8 मिनट का, ठीक है, क्योंकि लोग लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते, ठीक है ना, इसलिए मैं कट करके भी डालता हूँ यूट्यूब पे। ओके गाइस, और मैं आप लोग कुछ बता दूँ, देखता हूँ कुछ मैं बता देता हूँ, मैं बुक देख रहा हूँ, जैसे आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं, एंड इसका मैं पूरा कम्प्लीटली करा सकता हूँ, ठीक है, इन यूट्यूब पे। गाइस राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 52 से है, ठीक है, याद रखिए। चलिए कुछ कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे कि अमेरिका, अमेरिका खोज किसने किया है, कोलंबस ने किया, कब किया है, 1492। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, इटली का, ओके, अमेरिका। इंडिया का खोज किसने किया, सभी को पता होगा, वास्को डी गामा, कब किया गया, 1498। उत्तमाशा, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया, तो बार्थोलोमियो डियाज उत्तमाशा अंतरिक्ष का खोज किया, ठीक है। और मैं बता दूं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैप्टन कुक ने किसे किया है, अमेरिका को, इंडिया को, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ये तो सभी लोगों को पता होगा, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कुछ किसने किया गया, रॉबर्ट पियर है, कहाँ का रहने वाला था, इटली का। दक्षिण ध्रुव का किसने किया, एमंडरसन ने, ठीक है, कहाँ करने वाला था,
नॉर्वे, ठीक है, हाँ हवाई द्वीप समूह याद आ गया, हवाई द्वीप समूह का कुछ किसने किया है, कैप्टन कुक, हवाई द्वीप समूह का कुछ किसने किया है, कैप्टन कुक, ओके माइंड रखना है, इसका तो माइंड रखना है। पूर्वी कलकत्ता, तो उत्तरी क्षेत्र में नई दिल्ली है, पश्चिम क्षेत्र में आपका मुंबई है, पश्चिम मुंबई, दक्षिण में चेन्नई, मध्य में आगे गाइस मध्य में आपको इलाहाबाद था, आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा, बस उसको ट्राई करना पड़ेगा याद करने का, ठीक है। तो मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ, इलाहाबाद, इलाहाबाद आपको कहाँ पड़ता है, यूपी में, यूपी की राजधानी लखनऊ, ओके। तो लास्ट तक इसका आएंगे माइनर, कुछ अमेरिका कोलंबस ने 1492 में, इंडिया खोज वास्को डी गामा ने 1498 में, उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पियरे ने, दक्षिण ध्रुव का खोज एम एम एंडरसन ने किया, नॉर्वे का उत्तमासन के खोज बार्थोलोमी डियाज ने, हवाई द्वीप समूह को कैप्टन किक ने, ठीक है। जॉन कैबिट जो है ना, हाँ एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन है, न्यू फाउंडलैंड कुछ इसमें क्या है, तो जॉन कैबिट, ठीक है। एंड गाइज, मैंने जीके जीएस से रिलेटेड आपको सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल में हर एग्जाम में किसी ने किसी रूम में पूछे हैं, ठीक है, और मैंने एक लंबा अपने एक घंटे का मैराथन कराया था, ठीक है। अभी तो आपको ये शॉर्ट मिला है, काटा हुआ किसी अदर वीडियो में जा रहा, पर आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाइए जीके जीएस में, उसमें मैं सब डाल के रखूँगा, ठीक है, सभी वीडियो। एंड गाइज, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अनुच्छेद का कम्प्लीटली वीडियो अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, वो भी डाल चुका हूँ, पर वो मैंने डायरेक्ट दिखाकर उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया, उसमें मैं लिख कर एक्सप्लेन करूँगा अनुच्छेद, भाग, अनुसूची कितना होता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको हल्का सा बता दे रहा हूँ, एंड स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए प्लीज। पूरी देखिए मेरे पूरी क्षेत्र में कोलकाता है, उत्तरी क्षेत्र का नई दिल्ली, पश्चिम क्षेत्र का मुंबई, दक्षिण का चेन्नई में, मध्य क्षेत्र का इलाहाबाद, उत्तरी ध्रुव खोज रॉबर्ट पियरे ने किया, दक्षिण ध्रुव खोज एम एंडरसन ने किया, निफान ने प्रश्न अंदाज मैं आपको भूल गया, मैं ये भी नहीं करा रहा था, सभी राज्य की स्थापना ना जस्ट कराता हूँ, माइंड से निकल गया था, सब राज्य का कब कब स्थापना हुआ है उसको मैं अभी जस्ट करवा दे रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बोला था। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले कौन कौन से राज्य होते हैं, एक बाई लाइन लिखता हूँ, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वेलकम इन आचार, जैसा कि मैंने भी जस्ट आपको बताया था कि सभी राज्य का स्थापना वर्ष लेकर आऊँगा, ठीक है, सभी राज्य के बारे में बैक वीडियो में मैंने बता दिया कौन कौन से राज्य किस 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 जगह पे जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इसमें मैं बताऊंगा कि आपको कब राज्य का किस स्थापना हुआ, और उस वे से लिखा हूँ ना जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, एक ही लाइन से देखिएगा। इसमें से तीन राज्य थे जो कि मिजोरम अरुणाचल प्रदेश दोनों का एक ही साथ हुआ है, और ये उत्तराखंड जगह झारखंड का एक ही साथ हुआ 2000, तो उस लाइन की पॉलिंग लिखा हूँ कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो, तो ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करें। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक जरूर करें, ठीक है। पहला है गाइस आपका मेरिज मार्क, पहला गाइज आपका राज्य में आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, 1956 को क्या हुआ था, विधवा का पूर्ण विवाह हुआ था, ठीक है, विधवा का पूर्ण विवाह या स्थापना 1956 को, ये पता होगा तो उसमें से तीन घटा देना। महाराष्ट्र के साथ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र एंड गुजरात की स्थापना एक ही साथ 1 मई 1960 को महाराष्ट्र, ठीक है, नागालैंड के 1 दिसंबर 1963 को अलग है, हरियाणा का 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश का स्थापना 25 जनवरी 1971, ये देखिए अलग था, महाराष्ट्र के साथ में था, नागालैंड हरियाणा का अलग था, गुजरात का ना हिमाचल प्रदेश का 1971 में, याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैंने 1973 में क्या हुआ था, एक आपका आई थिंक आज 1973 में आपको पंचायत समिति का गठन हुआ था, ठीक है, 1973 में, 1973 में एक रिजर्व जो है आपका शेर से रिलेटेड होता है, आपको एक चिड़ियाघर है तो उससे रिलेटेड में सीखा था, इसलिए माइंड रखना है, जिससे क्या 1971 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मैंने बताया था ना तीनों,
मेघालय मणिपुर त्रिपुरा के स्थापना 21 जनवरी 1972 मेघालय के शिलोंग मणिपुर इम्फाल त्रिपुरा के अगरतला यानी कि तीनों का 1972 हुआ है। मिजोरम राज्य के स्थापना 20 फरवरी 1987 मिजोरम का और आपको बता दो अरुणाचल प्रदेश का और गोवा के स्थापना सबका 1987 हुआ है ठीक है। लेकिन दो राज्य का जिसका डेट सेम है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 गोवा की स्थापना 30 मई 1987 गोवा कब हुआ 30 मई 1987। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ की स्थापना गई ठीक है। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड तीनों का सेम हुआ है ठीक है। कितना हुआ है सेम 2000 में। झारखंड का सभी को पता होगा जो बिहार से एंड झारखंड से तो 15 नवंबर 2000 को ठीक है। एंड गाइज उत्तराखंड तो उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 ठीक है। छत्तीसगढ़ का हुआ है एक नवंबर 2000 ठीक है 1 नवंबर 2000। नेक्स्ट लास्ट तेलंगाना का जल्दी भी बना है आपको पता होगा 2 जून 2014 को बना था ठीक है। अब तो आ चुका है 2022 भी चलने वाला है बाबा हो गया 23 ठीक है 2022 का तक था आपका। अब बता दूं मैं इसमें देखिएगा कौन कौन से राज्य हैं। देखिए महाराष्ट्र ये आपका गोवा 25वां राज्य ठीक है। छत्तीसगढ़ आपका 26वां राज्य उत्तराखंड 27वां झारखंड आपका 28वां राज्य तो तेलंगाना 29वां राज्य और यहाँ से आपका एक राज्य स्टार्ट हुआ है ठीक है। आंध्र प्रदेश पहला था आपका स्थापना हुआ यहाँ 29वां राज्य तक तेलंगाना को तेलंगाना पहले क्या आंध्र प्रदेश का हैदराबाद था ना वही चेंज हो गया तेलंगाना का सॉरी आंध्र प्रदेश का तेलंगाना हो गया पहले आंध्र प्रदेश का हैदराबाद ठीक है। तो ठीक है गाइस तो मैंने आप लोग के लिए 1 आवर का कम्प्लीटली बेसिक वीडियो लाया जो कि आपको CHSL MTS CGL का प्रीवियस क्वेश्चन रिलेटेड भी था। पहले मैं आपका ऑब्जेक्टिव बेसिक कराया फिर मैंने आपको बेसिक कराया ठीक है सब अच्छे से बता दिया है। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो कमेंट करो एंड शेयर करो एंड थैंक यू एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक कोई गलती या भूल हमसे हो तो उसको सॉल्व कर दिया जाए। एंड अभी आप वीडियो देख रहे हो ओनली 5 या 4 मिनट का या भी 1 मिनट का ये आपका कट करके डाला हुआ है ठीक है। ये मैंने क्योंकि लोग देखना पसंद नहीं करते लॉन्ग लॉन्ग तो कट कर कर डाल दिया हूँ एंड एक कम्प्लीटली वीडियो भी 1 आवर का डाल दें तो प्लीज़ आप लोग उसे भी वॉच करें एंड आप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड थैंक यू गाइस।